हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने लेक्चर। जैसा कि तुम लोग जानते हो, पिछले वीडियो में हम लोग ने खत्म कर दिया था ये चैप्टर हमारा। ये फर्स्ट यूनिट, बेसिकली फर्स्ट चैप्टर, नॉट यूनिट, ठीक है। एक तो यूनिट और चैप्टर, यूनिट चैप्टर ऐसे करके कर, मैं बोलूंगा पिछले यूनिट में हमने जो खत्म कर लिया था। हम लोग को चूज द राइट ऑप्शन हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विद व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ डज द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ये देखने को मिलेगा। ये इसलिए यूज होता है कि हम लोग किसी एक फैक्टर को हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये डेविएट करेगा और बाकी सारे फैक्टर्स को हम कॉन्स्टेंट एज्यूम करते हैं, तो इसके लिए ये टर्म यूज होता है सेटरस पेरिबस, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक गुड्स इंक्लूड मटेरियल थिंग्स विच आर ट्रांसफर्ड, यस। कैन विजिबल, यस। तो बोथ ए एंड बी। ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। नेचर ऑफ पीपीसी कॉनकेव। पीपीसी इज लीनियर, कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीसी अनअटेनेबल होता है। इफ एन इकोनॉमी इज वर्किंग एट द पॉइंट लेफ्ट टू द पीपीसी कर्व, दैट शोज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज द ऑप्शन। सारे ऑप्शन पढ़ लिए करो तुम लोग, ठीक है। अरे इसमें 10 ही एमसीक्यू थे बस, एमसीक्यू ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। तो एमसीक्यू तुम लोगों को करा दिया जाएगा सिलेबस खत्म होने के बाद। अगर सितंबर अटेम वाले हो तो तुम लोगों को तो मॉक टेस्ट आ गया, तो मॉक टेस्ट से कर लो एमसीक्यू। और अगर दिसंबर अटेम वाले हो और तुम्हारा भी एमसीक्यू एग्जाम होता है, बाई चांस होता है तभी बोल रहा हूँ, तो फिर तुमको भी एमसीक्यू करा दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लो। बाकी तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह करना, इतना मैं तुम लोग बेबी फिटिंग तो नहीं करा सकता, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो। हाँ, इतना जरूर करवा सकता हूँ, कोई भी डाउट रहा स्पेसिफिकली कोई एमसीक्यू या कोई फिलअप में, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। कहाँ पर? अच्छा, ये आंसर्स भी दिए हुए हैं तो उसको भी तुम रेफर कर सकते हो मेरे को। टेलीग्राम में पूछ लेना तुम लोग, और भाई टेलीग्राम में पूछे करो, मैथ्स के भी डाउट तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ देते हो मेरे से। एक एक पेज का मैथ्स का सोल्यूशन मेरे को टाइप करना पड़ता है तुम्हारे चक्कर में, इतना कष्ट देते हो तुम लोग मेरे को, बताओ। तो इसीलिए कष्ट ना हो इसलिए टेलीग्राम में पूछे करो, वहाँ फोटो खींच के भेजा जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है यूजिंग वॉइस नोट्स, ठीक है। तो टेलीग्राम इज लाइक बहुत कन्वीनियंट होता है, तो वहाँ ज्वाइन करो ग्रुप को, ग्रुप ज्वाइन करो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करके उसका फायदा उठा रहे, तुम लोग भी ज्वाइन करके फायदा उठाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को स्टडी नोट 2 पढ़ना है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बेसिकली डिमांड और सप्लाई चैप्टर हमको पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं डिमांड चैप्टर से। व्हाट इज डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड देखो तो डिमांड मींस डिजायर, डिमांड मींस डिजायर, इच्छा, कुछ लेने की इच्छा, डिजायर, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स डिमांड मींस डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे। सिंपल बात है, मेरा डिजायर है, मेरे को बुर्ज खलीफा खरीदना है, ठीक है। मेरे को क्या बोलते हैं, 10 एकड़ के पूरे लैंड में फैला हुआ मेरे को बंगलो खरीदना है, दिस इज माई डिजायर, है मेरी डिजायर, ठीक है। बहुत अनरियलिस्टिक सी है पर है। एक बात बताओ, मेरी औकात है खरीदने की? एक फोन तो खरीद नहीं सकता मैं, अपना डब्बा फोन चला रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी औकात है क्या खरीदने की? नहीं। तो इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकली बोलता है कि डिजायर में तुम वही चीज कंसिडर करो जो तुम्हारी इच्छा है खरीदने की, तुम उसके लिए पैसा पे करना चाहते हो, और फाइनली तुम्हारी औकात है पैसा पे करने की। मतलब मान लो मेरे को नया फोन खरीदने का इच्छा हुआ, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं है, एक आध साल बाद होगा, मेरे हिसाब से मेरे को फोन की जरूरत नहीं पड़ती तो इसलिए मैं उसको यूज नहीं करता। तो एक आध साल बाद अगर इच्छा हुई फोन लेने की, तो पहली बात तो मैं ऐसा फोन चूज करूंगा जो मेरे को खरीदने की इच्छा है, पहली बात, तो वो मेरा डिजायर कहलाएगा। दूसरी बात, मेरी औकात है उसके लिए पे करने की, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? डिमांड। क्या कहलाएगा? डिमांड, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। बेसिकली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, तो दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है, डिमांड बढ़ता है, प्राइस कम होती है, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो फंक्शनल रिलेशनशिप जो कि प्राइस और डिमांड के बीच में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन ऑल द थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल बोलता है, मैं सिर्फ प्राइस कंसिडर करूंगा, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है। सारी चीजें क्या भैया? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सीजनल फैक्टर्स, पॉपुलेशन, इतनी सारे फैक्टर्स है भाई, 7-8 है, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स सारे कॉन्स्टेंट है, एक ही फैक्टर मैं कंसिडर करूंगा और वो है प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। इफ द प्राइस राइजेस डिमांड इज डिक्रीज, और इफ द प्राइस फॉल्स द डिमांड विल इंक्रीज, इट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये चीज नोट करने वाली थी, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। डिमांड शेड्यूल दो तरीके से बन सकता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो होता है जो इंडिविजुअल की डिमांड बताता है अलग 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 लेवल प्राइस पे, ठीक है। इस प्राइस पे इंडिविजुअल की डिमांड इतनी थी, इस प्राइस में इतनी थी, इस प्राइस में इतनी थी, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? जो पूरे मार्केट के कंज्यूमर्स की डिमांड बताता है अलग अलग प्राइस लेवल पे, अलग अलग प्राइस लेवल पे जो पूरे मार्केट के कंज्यूमर्स की डिमांड बताता है, दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल
इट शोज द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ गुड डेटा डिमांडेड बाय इंडिविजुअल एज वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। लाइक देखो, पहले 5 रुपए था तो 10 ही मांग रहा था, 4 रुपए होने पे 20 मांगने लगा, 3 रुपए होने पे 30 मांगने लगा, 2 रुपए में 40 और 1 रुपए हुआ तो 50 मांगने लगा। तो देखो जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रही है, डिमांड बढ़ते जा रही है, प्राइस कम हो रही, डिमांड बढ़ रही, इनवर्स रिलेशनशिप। ये देखो डिमांड कर, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, ठीक है, जहां पर ओ वाई एक्सिस में हमको प्राइस दिख रहा है और वो एक्स एक्सिस में हमको क्वांटिटी दिख रही है। तो देखो समझना, जब प्राइस 5 थी तब डिमांड 10 थी, जब प्राइस 4 हुई तब डिमांड 20 हो गई, जब प्राइस 3 हुई तब डिमांड 30 हो गई, जब प्राइस 2 हुई तब डिमांड 40 हो गई, जब प्राइस 1 हुई तब डिमांड 50 हो गई। अब ऐसे तुम लोग बनाओगे प्लॉटिंग करके शेड्यूल को, और फिर एक ऐसी डंडी तुमको दिखेगी, तुम्हारी कॉपी में भी बना के देख लो, जाओ देख लो बना के, ऐसी डंडी तुमको खींचते हुए दिखेगी। दैट इज बेसिकली व्हाट कर्व। और ये तो भाई कॉमर्स स्टूडेंट वालों के लिए तो एकदम मतलब रिवीजन चल रहा है ना, कॉमर्स स्टूडेंट वालों के लिए रिवीजन चल रहा है बेसिकली। अगर अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तब तुम लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इसलिए मैं यही अज्यूम करके पढ़ाता हूं कि अदर स्ट्रीम के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इसलिए डेप्थ में थोड़ा जाना पड़ता है मेरे को, ठीक है। नहीं तो मेरे को अगर रहता कि नहीं बस कॉमर्स स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो मैं तुम्ही लोग के हिसाब से पढ़ाता, पर मेरे को यह है कि सारे स्टूडेंट बराबर है, सबको पढ़ाना है, तो इसलिए थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ रहा है। इट शोज द वेरियस क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट आर डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस इन द मार्केट। ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट, कौन? ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस में कितना डिमांड कर रहे हैं। When the individual demand are added, market demand can be obtained. भाई सिंपल सी बात है, 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100, 1,00,000, 2,00,000 जितने कंज्यूमर्स की इंडिविजुअल डिमांड है सबको ऐड कर दो, मार्केट डिमांड बन जाएगी, दैट्स ऑल। तो मान लो ए बी सी तीन कंज्यूमर है, तीनों की डिमांड को मिला दो तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड, ठीक है, मार्केट डिमांड बन जाएगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल कंपेरेटिवली स्टीपर होता है ऐसे, मतलब जैसे इंडिविजुअल डिमांड ऐसा है ना, तो मार्केट डिमांड थोड़ा सा ऐसा रहता है, ऐसा है तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए बी और सी, पर मार्केट डिमांड देखो थोड़ा सा सोया हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर है, ठीक है। तो ये हुआ, व्हेनेवर द इंडिविजुअल डिमांड करो, मार्केट डिमांड कर स्लो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। बोल रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट रहता है बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप है। कभी भी याद रखना डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व डाउनवर्ड होने का रीजन सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप ही हो सकता है, इनवर्स रिलेशनशिप ही एक रीजन है डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का। कॉजिंग फॉर फॉलिंग नेचर ऑफ डिमांड कर्व दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन देखेंगे तो देयर आर मेनी रीजंस फॉलिंग नेचर ऑफ डिमांड कर्व, सम ऑफ द रीजंस आर एक्सप्लेन। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन इंक्रीजिंग। यस, सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यस वी ऑल नो। तो अब ये चीज कंज्यूमर के बिहेवियर को दिखाता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर परचेस करते जाता है उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होते जाता है, तो अब वो अगली यूनिट के लिए थोड़ा कम पे करना चाहेगा, बोलेगा अरे यार अब एक बार खा लिया हूं, अब 5 रुपए नहीं, अब 4 रुपए लो, और अगर 4 रुपए नहीं लेगा तो अपनी क्वांटिटी डिमांड कम कर देगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पता है भाई प्राइस तो कम होगा नहीं ना, प्राइस तो 5 ही रुपए होगा, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस तो 5 ही रुपए होगा, पर अब कंज्यूमर 5 रुपए देना नहीं चाहता, क्यों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब कंज्यूमर डिड नॉट वांट टू पे 5 रुपीज फॉर दैट कमोडिटी, तो कंज्यूमर बोलेगा या तो प्राइस कम करो तभी डिमांड बढ़ेगी, 4 रुपए करो तो खरीद सकता हूँ, 5 रुपए में अब नहीं खरीदूंगा क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम हो चुका है, सेटिस्फेक्शन कम हो चुका है। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहला रीजन है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये मैं तुम लोगों को इनवर्स रिलेशनशिप का वो बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब सिंपल सी बात है, मैं पहले चाय पी रहा था, चाय पीते पीते सेटिस्फाइड हो गया मैं, वैसे मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होता चाय पीते पीते, मैं बहुत पी लेता हूँ, ठीक है, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, बाई चांस मैं सेटिस्फाइड हो गया चाय पीते पीते, तो अब वॉट आई वॉन्ट, इधर चाय का प्राइस कम हो जाए तो मैं खरीदूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर चाय का प्राइस कम नहीं होगा ना, ऐसे कैसे कम हो जाएगा, मेरे लिए थोड़ी ना कम कर देंगे, तो मैं सिंपली शिफ्ट कर जाऊंगा उसके सब्स्टिट्यूट में। उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, कॉफी हो सकता है या एनी अदर टी कंपनी हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वर्क करता है, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा है तो मैं सिंपली अदर गुड में शिफ्ट कर जाऊंगा, अदर गुड में खरीदना चालू कर दूंगा, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना चालू कर दूंगा। तो इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्राइस ऑफ एक्स रिलेटिवली टू द अदर गुड वाई द कंज्यूमर विल बाय लेस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड बाय मोर ऑफ वाई विच हैज बिकम रिलेटिवली चीपर। तो वाई अगर सस्ता है तो मैं वाई में शिफ्ट कर जाऊंगा जो उसका सब्सटीट्यूट होगा। इनकम इफेक्ट टेल दैट द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द प्राइस लेवल सो दे परचेज मोर एंड मोर। तो सिंपल सी बात है, इनकम इफेक्ट मतलब मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मंथ 10,000 सैलरी मिलती है वो 20,000 हो गई, भैया ऐसा बोल रहे हो क्या? ना बिल्कुल नहीं, मैं परचेजिंग पावर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? परचेजिंग पावर की। एक बात बताओ, एक कमोडिटी थी 100 रुपए की थी, 10,000 तुम्हारी मंथली इनकम है और एक कमोडिटी 100 रुपए की थी, तो बताओ कितना खरीद सकते हो?
0.00 के भैया 100 यूनिट्स परचेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, 80,000 रुपए उसका प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया, 50 हो गया, अब कितना खरीद सकते हो भैया? 200 यूनिट खरीद सकते हैं। तो एक बात बताओ, ऑटोमेटिकली तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ गई। पहले 100 खरीद पाते थे, अब 200 खरीद पा रहे हो, बोलो हाँ यस। पहले 100 खरीद पाते थे, अब 200 खरीद पा रहे हो, तो तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ गई। क्या बढ़ गई? परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, परचेजिंग पावर। तो जैसे जैसे यूनिट का प्राइस कम होता है, कमोडिटी का प्राइस कम होता है, तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है, तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो उस बारे में बात हो रहा है। न्यू बायर मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब देखो सिंपल सी बात है, इस कमोडिटी का प्राइस 100 से 50 हो गया। अब जो लोग इसको नहीं भी खरीदते थे, कौन लोग? जिन लोग इसको नहीं भी खरीदते थे, उन लोग भी बोलेंगे वाह यार, ये कमोडिटी मस्त सस्ते मिल रही, मजा आ गया, मार्केट में तो एक नंबर सस्ते में मिल रही है कमोडिटी। उन लोग भी परचेस करना चालू कर देंगे, उन लोग भी परचेस करना चालू कर देंगे। न्यू कंज्यूमर आ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस कम हुआ, डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ गई। क्यों? नए कंज्यूमर्स आ गए, नए कंज्यूमर आ गए, डिमांड बढ़ गई, ऑटोमेटिक लालच में आ गए कि सस्ते में मिल रहा है, लेंगे, हम भी लेंगे, मस्त लेंगे, मजा उठाएंगे इसका, प्राइस कम हुआ है इसका मजा हम भी लेंगे। तो न्यू कंज्यूमर्स आ गए, ठीक है। और ओल्ड बायर, व्हेन द प्राइस ऑफ एनीथिंग डिक्रीज, ओल्ड बायर ज्यादा खरीदने लगते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो दूध 40 रुपए लीटर मिल रहा था, अचानक से कोरोना वायरस के टाइम में दूध की डिमांड कम हुई, तो इस वजह से प्रोड्यूसर सोचा चलो 30 रुपए लीटर में बेचते हैं। जो ओल्ड बायर थे उन लोग बोले चलो 30 रुपए लीटर में मिल रहा है, दूध तो बहुत जगह यूज हो जाता है, चलो पनीर बना लेंगे, मिठाई बना लेंगे, और क्या बोलते दही बना लेंगे, डिफरेंट न्यूमरस एज वी ऑल नो मिल्क के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस करेंगे, ज्यादा खरीद लेते हैं। तो पहले 2 लीटर खरीदते थे, 5 लीटर 10 लीटर खरीदने लगे, डिमांड बढ़ गई। प्राइस कम हुई दूध की 10 रुपए से, डिमांड बढ़ गई। क्यों? ओल्ड कंज्यूमर बोले हम और खरीदेंगे, डिफरेंट यूजेस में लगाएंगे, डिफरेंट यूजेस में लगाएंगे, ठीक है। देयर इज बाय द डिमांड कर स्लो डाउन, बट ठीक है। एग्जेम्पशन टू लॉ ऑफ डिमांड, कहां लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, कहां प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस कम होने से डिमांड कम हो जाती है, कहां? इन लोग इनवर्स रिलेशन नहीं, डायरेक्ट रिलेशन शो करने लगते हैं, कहां देखते हैं, ये देखो, ये हुआ डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस बढ़ रही डिमांड बढ़ रही, प्राइस बढ़ रही डिमांड बढ़ रही, ये क्या हुआ डायरेक्ट रिलेशन। कहां होता है ऐसा? पहला होता है गिफिन्स पैराडॉक्स, नेसेसरी गुड, ठीक है। तो देखो इसमें इन द केस ऑफ नेसेसरी गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट ऑपरेट, दिस इज ऑब्जर्व बाय द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन, ही ऑब्जर्व इन लंडन दैट द लो पेड वर्कर्स परचेज मोर ऑफ ब्रेड व्हेन इट्स प्राइस राइजेस, दैट्स व्हाई द सिचुएशन इज कॉल्ड गिफिन पैराडॉक्स। मतलब जो गरीब लोग हैं उन लोग, उन्होंने सर किसने, सर रॉबर्ट गिफिन ने चीज नोटिस की कि जो गरीब वर्कर्स होते हैं उन लोग भले प्राइस ज्यादा हो फिर भी लोग ब्रेड ही खरीदते हैं, तो गिफिन पैराडॉक्स मतलब जो नेसेसरी गुड होते हैं, जो नेसेसरी गुड होते हैं वहां पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक पेशेंट है जिसको दवाई लगती है, दवाई का प्राइस बढ़ जाएगा तो बोलोगे अब दवाई नहीं मिलेगी आपको, जब तक प्राइस सस्ता नहीं हो जाता, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि दवाई इज अ नेसेसिटी गुड, तुमको जितना भी उसका प्राइस हाई हो तुमको उसको खरीदना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं किया, ठीक है। स्पेक्यूलेशन, sometimes the price of the commodity might be increasing, expected to increase still it still further, the consumer will buy more of that commodity at higher price than did not lower price, it is contrary to law of demand. So speculation मतलब होता है सट्टा, speculation मतलब क्या होता है सट्टा, मतलब तुमको दिख रहा है कि किसी share, किसी stock, किसी bond या किसी चीज gold का price बढ़ रहा है, तो जैसे उसका price बढ़ रहा है तुम demand बढ़ा देते हो। क्यों? तुम खरीद के उसको अपने पास रख लोगे, तुमको दिख रहा है price बढ़ रही है, क्यों खरीद के रख लिए? ताकि जब future में price और बढ़ जाए तुम उसको बेच के फायदा कमा सको, ताकि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ जाए। देखो अभी बढ़ी रही है ना धीरे धीरे, तुम देखे अरे प्राइस बढ़ रही है, तुरंत डिमांड बढ़ा दी, खरीद के रख ली अपने पास, और फ्यूचर में जब उसकी उसकी और ज्यादा और प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली तुम उसको बेचोगे और उससे जो फायदा हुआ तुमको वो बीच का मार्जिन तुम्हारा, दैट इज व्हाट स्पेक्यूलेशन, ठीक है। स्पेक्यूलेशन मतलब होता है सट्टा, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना, तो दैट इज स्पेक्यूलेशन, ठीक है। कॉन्स्पिशियस, देखो there are certain goods which are purchased to project the status and prestige of the consumer, this was this is a 2 lakh rupees necklace, I just purchased this from Tanishq, okay, aise aunty log show off karte hai na, aunty log do not get offended, main serials ki baat kar raha hu, serial mein wo maine na wo 5 crore rupees mein mil raha tha to I just purchased it, that's all, to aisa show off karte hai, mehanga goods khareedte hain, mehange mein khareedte hain just because of prestige, show off, hai na। kai saare log iPhone kyon khareedte hain? show off ke liye, chalane unko bilkul nahi aata। iOS भैया मैं iPad यूज करता हूँ, मेरे को आज तक iPad पूरा चलाने नहीं आया, तो सिर्फ शो ऑफ के लिए कई लोग परचेस करते हैं, मैं शो ऑफ के लिए, मैं तुम लोग के लिए परचेस किया हूँ, ठीक है। एक्सपेंसिव कार, डायमंड, ज्वेलरी, सच गुड्स आर परचेस्ड हायर प्राइस, ठीक है। शेयर्स और स्पेक्यूलेटिव मार्केट, अगेन वही चीज आ गई, इट इज फाउंड दैट पीपल बाय शेयर ऑफ द कंपनी हिज प्राइस इज राइजिंग, एंटीसिपेशन विल राइज, ऑन द अदर हैंड दे विल बाय लेस शेयर इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस, एक्सपेक्ट अ फॉल, हाउ दिस डिमांड ऑफ फाइव से। देखो वही बोल रहा है, अगर शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, और जब शेयर के प्राइस गिरना चालू हो जाते हैं तो लोग उसको बेच देते हैं, शेयर प्राइस जब गिरने लगते हैं लोग उसको बेच देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी की वैल्यूएशन कम हो रही है, तो वो स्पेकुलेशन पर्पस के लिए होता है, जबकि ये बेवकूफों वाली हरकत है।
शेयर मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा मैं तुम लोगों के लिए। पहले सीएफ और सीएमए फाउंडेशन अलार्म से निकाल लो, उसके बाद शेयर मार्केट के ऊपर कोर्स वगैरह लाएंगे ताकि तुम लोग भी इन्वेस्टिंग वगैरह सीखो। 500 रुपए इन्वेस्ट करो और फ्यूचर में करोड़पति बन जाओ, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो। तो बहुत जल्द उसके ऊपर भी सीरीज आएगी, एक बार तुम लोगों के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखा हूं वो कंप्लीट हो जाए फिर मैं वो सब में फोकस करूंगा। ठीक है। Bandwagon effect, here the consumer demand for a commodity is affected by the taste and preference of the social classes to belong. If playing golf is fashionable among corporate exclusive, then these are the price of golf accessories rises. The businessman may increase the demand for such goods to project his position in the society. So bandwagon effect मतलब basically भाई ये अमीर लोगों का system है। अमीर लोगों का system जैसे example से ही समझा देता हूँ जो book में ही दिया है। Golf खेलने का जो चाल चलन होता है वो अमीर लोगों के बीच में होता है। Wagon लेते हैं मस्त चारों तरफ से open वाली, मैं खुला गोडाउन में जाते हैं मैदान में गोल्फ पकड़ते हैं और बॉल को मारते रहते हैं और उसको गोले में डालना रहता है। तो ये बेसिकली क्या स्टेटस है, स्टेटस सिंबल है। ठीक है, तो ये जनरली लड़कों के बीच में ही होता है ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों, तो उन लोग इस चीज की डिमांड बढ़ा देते, उन लोग गोल्फ किट ये सब की, नोबिता के पापा को देखे गोल्फ खेलने जाते हैं हर संडे को, है ना, तो उन लोग गोल्फ वगैरह की डिमांड बढ़ा देते हैं इस चक्कर में। तो दिस इज वॉट बैंडवैगन इफेक्ट, कि उन लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि नहीं मैं बड़ा बिजनेसमैन, तो उन लोग ऐसा डिमांड बढ़ा देते, उस वजह से प्राइस बड़े होने के कारण भी डिमांड ज्यादा रहती। इल्यूजन, sometimes consumer develop a false idea that the high prices goods will have a better quality instead of a low price good. कभी कभी क्या होता है consumers rational नहीं होते हैं, rational मतलब दिमागदार, उन लोग ऐसा लगता है महंगा है तो अच्छा है सस्ता है तो खराब है, ऐसा उन लोग फील कर लेते हैं और उस चक्कर में महंगा गुड्स खरीद लेते हैं। ठीक है, महंगे गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सस्ती चीजें भी अच्छी होती है, दिमाग होना चाहिए, वो होनी परख होनी चाहिए, समझ में। If the price of a good fall, then they feel its quality are detroit and they do not buy this and contrary to the law of demand. अगर किसी गुड की प्राइस कम हो जाती है तो लोग सिंपली उसकी डिमांड कम कर देते हैं ये सोच के कि वो गुड खराब है, इल्यूजन के कारण। डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब होता है जो फैक्टर्स जो डिमांड को हिला सकते हैं, वो फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं। डिटर्मिनेंट डिमांड बहुत सारे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इनकम इफेक्ट, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, पॉपुलेशन, वेदर, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होते हैं, इतने सारे होते हैं, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। पर अभी तुम ये मतलब समझो वो फैक्टर्स जो डिमांड ऑफ अ गुड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो उनके बीच का रिश्ता, ये बंधन तो बिजनेस का बंधन है जिसमें डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो सकते हैं, उस कमोडिटी का खुद का प्राइस, उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस, उसके कॉम्प्लीमेंट का प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फैक्टर्स है ना वो इंडिविजुअल डिमांड के, मार्केट डिमांड में और भी आ जाएंगे, पॉपुलेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड रिविजिटेड, लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट फॉर अ कमोडिटी एंड डीएन एंड प्राइस एंड आर इनवर्सली रिलेटेड प्रोवाइड ऑल द अदर थिंग्स आर हेल्ड कांस्टेंट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या अज्यूम किया था कि प्राइस और डिमांड ऑफ अ कमोडिटी जो है इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, पर रियल लाइफ में हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट नहीं रख सकते, हमको बाकी सारी चीजों को भी स्टडी करना पड़ेगा। इको में तो हम लोग थ्योरी बनाने के लिए अज्यूम कर लिए, पर अभी हमको बाकी सारी चीजों को भी स्टडी करना पड़ेगा कि बाकी सारी चीजें कैसे कैसे डिमांड को इफेक्ट कर सकती है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, पहला प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो कहां इनवर्स रिलेशनशिप, कहां लिखा है, प्राइस राइजेस डिमांड डिक्रीज, प्राइस फॉर डिमांड इंक्रीज। ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अब देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एग्जांपल देखो चाय कॉफी। ठीक है, तो कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड है चाय का, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि जिन लोग कॉफी पी रहे थे उन लोग चाय में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर चाय का प्राइस बढ़ गया कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि चाय जिन लोग पी रहे थे प्राइस बढ़ने के कारण कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर चाय का प्राइस कम हो गया कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब चाय का प्राइस कम हो गया तो जो कॉफी पी रहे थे वो चाय में शिफ्ट हो जाएंगे, और कॉफी का प्राइस कम हो गया तो जो चाय पी रहे थे वो कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि कॉफी अब सस्ती हो गई। तो दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूट गुड का इफेक्ट। ठीक है, तो देखो द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी नॉट ओनली डिपेंड अपॉन इट्स प्राइस बट ऑल्सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, एग्जांपल टी और कॉफी, तो टी और कॉफी का पूरा एग्जांपल यहाँ दिया है, उसको पढ़ लेना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पहले मतलब बता दूं होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे टाइप के गुड्स होते हैं जो दोनों साथ में यूज होते हैं, जो दोनों साथ में, जैसे कि व्हीकल एंड पेट्रोल, तो गाड़ी और पेट्रोल साथ में यूज होते हैं, पेन और रिफिल साथ में यूज होते हैं, है ना, इंक और इंक पेन साथ में यूज होते हैं। ठीक है, तुम लोगों के एमटीबी में क्वेश्चन आया था स्केट, स्केट चलाते हो, स्केट और हैंड पैड्स,
काल्फ में जो पैड लगाते हैं ना स्केट चलाते टाइम, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, साथ में यूज होते हैं। तो इन लोगों की डिमांड डायरेक्ट रिलेशनशिप से करती है, मतलब अगर पेट्रोल की, अगर व्हीकल की डिमांड बढ़ी तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। व्हीकल की डिमांड कम हुई, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज वॉट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज, ठीक है। तो देखो द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, हियर डिमांड फॉर पेट्रोल डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ द कार। तो एक बात बताओ सिंपल, कार का प्राइस बढ़ गया, कार का प्राइस बढ़ गया तो अब लोग कार खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। तो लोग पेट्रोल खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, समझ रहे हो। कार है उसकी प्राइस बढ़ गई, कार की प्राइस बढ़ गई, अब लोग कार खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। अब कार ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल कहां खरीदेंगे? तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार की प्राइस कम हो गई। ओहो, कार की प्राइस कम हो गई, अब कार खरीदोगे? हाँ भैया अभी जा रहे हैं, रुको वीडियो नहीं देख रहे, जा रहे कार खरीद के आएंगे, रुको जरा सबर करो, ये लेक्चर खत्म कर लो। कार खरीदोगे? हाँ, पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, पेट्रोल की डीईएमएनडी बढ़ जाएगी, ऊपर चले जाएगी, ऊपर 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 इन द एयर चले जाएगी, समझ में आया। तो दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड व्हेन द इनकम राइजेस परचेस पर मोर क्वांटिटी व्हेन द इनकम फॉल। सिंपल सी बात है, अगर अब यहाँ परचेजिंग पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ रियल इनकम की बात कर रहे हैं, कि तुम्हारी इनकम अगर बढ़ गई तुम डिमांड बढ़ा दोगे, इनकम कम हो गई डिमांड कम कर दोगे, ठीक है। टेस्ट और प्रेफरेंस, तुमको शौक है, शौक बड़ी चीज है, तुमको शौक है, तुम्हारा टेस्ट और प्रेफरेंस जिस कमोडिटी का, लाइक एंकल लेंथ जींस का भी फैशन आया है, एंकल लेंथ जींस का भी फैशन आया है। तो एक बात बताओ, जो पुरानी जो ऐसे नॉर्मल जींस आती थी पीछे से नीचे से चौड़ी है ना, रेट्रो के जमाने की, वो सारी जींस बिकना बंद हो गई, क्यों? क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो तुम एंकल लेंथ जींस में शिफ्ट कर गए, ठीक है। टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर, जैसे दिवाली के टाइम में ट्रेडिशनल ड्रेसेस की डिमांड बढ़ जाती है ना, तो वो सब चीजें ऑल्सो डिटरमाइंड व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज, डिमांड ऑल्सो चेंज। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा है डिमांड ज्यादा रहेगी, पॉपुलेशन कम डिमांड कम। क्लाइमेट, ठंडी में स्वेटर बिकेगा, बरसात में रेनी सीजन में रेनकोट बिकेगा, गर्मी में कॉटन क्लॉथ बिकेंगे। तो सीजनल फैक्टर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तुम लोगों को समझ में आ गया, डिटरमिनेंट्स और डिमांड तुम्हारी बुक में साथ ही दिए हैं, एक और होता है आठवां, ठीक है। अब वो नहीं दिया है तो कुछ नहीं कर सकते, वो होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर इक्विटेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो डिमांड कम होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिमांड, तीन टाइप के होते हैं, प्राइस इनकम क्रॉस, प्राइस डिमांड जो कि प्राइस पे डिपेंड करता है, इनकम डिमांड जो इनकम पे डिपेंड करता है, क्रॉस डिमांड जो दूसरे गुड पे डिपेंड करता है, दूसरे गुड पे, वेदर इट इज सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, पर दूसरे गुड पे डिपेंड करता है, मतलब तुम किसी दूसरे गुड के साथ कंपेयर करोगे, तो दैट इज क्रॉस डिमांड। ड्रिंक ब्रेक के बाद वील कंटिन्यू इट। चलो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके जो तुम्हारी टाइप्स ऑफ डिमांड होती है उसके बारे में। तो मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बताया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। जब एक गुड की जो डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांड है, उसको मैं उसके प्राइस के साथ कंपेयर करता हूं, तो दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस डिमांड। अच्छा इलास्टिसिटी हमको वही पढ़ना है तो मैं इलास्टिसिटी बोल दिया। इनकम डिमांड, इनकम डिमांड मतलब किसी पर्सन की इनकम के साथ जब हम क्वांटिटी डिमांड को कंपेयर करते हैं, किसी कंज्यूमर की इनकम के साथ हम क्वांटिटी डिमांड को कंपेयर करते हैं, तो दैट इज इनकम डिमांड। और क्रॉस डिमांड मतलब मैं पहले भी बताया, जब हम लोग क्वांटिटी किसी कमोडिटी की डिमांड उसके किसी दूसरे गुड की डिमांड के साथ या प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब इसके प्राइस के साथ इतनी इसकी क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, अब वो दूसरा गुड सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। तो एक एक करके सबका नेचर हम अलग अलग देखेंगे। पहला प्राइस डिमांड, तो हमको पता है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, कहां लिखा है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, मतलब देखो प्राइस जैसे जैसे कम होती जाती है डिमांड बढ़ती जाती है। ये देखो प्राइस ₹3 हुई डिमांड बढ़ गई, प्राइस ₹2 हुई डिमांड और बढ़ गई, प्राइस ₹1 हुई डिमांड और बढ़ गई, प्राइस ₹4 थी डिमांड कम थी, प्राइस ₹5 थी डिमांड बहुत कम थी। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आता है इनकम डिमांड, तो देखो इनकम डिमांड एक्सप्लेन करता है फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ गुड। जनरली इफ द लेवल ऑफ इनकम राइज कंज्यूमर परचेज पावर परचेज मोर ऑफ गुड, इफ द लेवल डिक्रीज कंज्यूमर परचेज लेस ऑफ गुड। इट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन बिटवीन, तो ये डायरेक्ट रिलेशन मार्क करके रखो, डायरेक्ट प्रपोर्शनल रिलेशनशिप, मतलब इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी डिमांड कम, बढ़ेगी बढ़ेगी, कम होगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कम होगी मेरी इनकम ₹10 से ₹20 हुई मैं डिमांड बढ़ा दूंगा, मेरी इनकम ₹10 से ₹5 हुई डिमांड कम कर दूंगा, यस, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम डिमांड कर्व इज ऑफ टू टाइप्स, इन केस ऑफ सुपीरियर नॉर्मल गुड्स द इनकम डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और सुपीरियर गुड्स मींस बेस्ट क्वालिटी गुड्स। तो देखो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व कैसा रहेगा, स्लोप अपवर्ड,
और इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेस क्वालिटी गुड्स। अब देखो इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स का मतलब बता रहा हूं, यहां लिख लो, लिखो नॉर्मल गुड्स इंफीरियर गुड्स, द गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विथ एंड इंक्रीज इन इनकम, द गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विथ एंड इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब समझो, अब मैं यहां पर एग्जांपल नहीं दूंगा। भैया क्यों एग्जांपल नहीं दे रहे हो यार, एग्जांपल दो। मैं बोला इसका एग्जांपल बहुत ना क्या बोल सकते हैं इसको सब्जेक्टिव है। कैसे? मेरे लिए जो नॉर्मल गुड है तुम्हारे लिए इंफीरियर हो सकता है, तुम्हारा इंफीरियर गुड मेरे लिए नॉर्मल हो सकता है। भैया पहले मतलब तो बताओ नॉर्मल और इंफीरियर का। नॉर्मल गुड्स वो होता है जिसकी डिमांड, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ जाती है, इनकम कम होती है डिमांड कम हो जाती है। मतलब जो डायरेक्ट रिलेशन शो करते हैं इनकम के साथ वो नॉर्मल गुड्स है, जो इनडायरेक्ट रिलेशन शो करते हैं इनकम के साथ, इनकम बढ़ी डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम हुई डिमांड बढ़ जाएगी, वो इंफीरियर गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल तुमको क्लास 11 का एग्जाम्पल अगर याद होगा कमेंट सेक्शन में बताना, हाँ भैया याद है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हम इंफीरियर गुड में लेते थे, क्यों? जब किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड कम करके कलर टीवी की डिमांड बढ़ा देता है। मतलब बेसिकली जब इनकम बढ़ती है तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड कम हो जाती है, और जब इनकम कम होती है तब इंसान ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदता है, जब इंसान गरीब है तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदेगा, तो इसीलिए वो क्या है इंफीरियर गुड्स है। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? जो नॉर्मली इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती है, और नॉर्मली इनकम कम होने से डिमांड, जैसे कि मिल्क का एग्जांपल ले लो। ठीक है, वैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल, यहाँ पर कोई भी दूध तुम मिल्क को भी इंफीरियर बना सकते हो। तुम बोलोगे भैया मिल्क भी डबल टोन्ड होता है, क्रीम्ड मिल्क होता है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्टिव है बहुत। पर ऐसे याद रखो, तुमसे कोई भी पूछे, कोई भी इंसान पकड़े, ए बता नॉर्मल गुड्स क्या होता है, बोलना जिसकी डिमांड बढ़ती है इनकम के साथ वो नॉर्मल होता है। एग्जाम्पल दे, सब्जेक्टिव है भाई। इंफीरियर क्या होता है? जिसकी डिमांड कम होती है इनकम बढ़ने के साथ, और जिसकी डिमांड बढ़ जाती है इनकम कम होने के साथ। तो दैट्स ऑल, ये चीज ध्यान रखना। तो ये देखो तुमको नॉर्मल गुड्स का यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो ये इंफीरियर का है, ये नॉर्मल का है। देखो इनकम बढ़े डिमांड भी बढ़े, इनकम और बढ़े डिमांड और बढ़े, इनकम और बढ़े डिमांड और बढ़े, इनकम बढ़े डिमांड कम, इनकम कम हुई डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हुई डिमांड और बढ़ गई। तो देखिए, तो दिस इज इंफीरियर, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ गई होगी तुम लोगों को बात। ठीक है, क्रॉस डिमांड के बारे में बात करते हैं। शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। अनदर कमोडिटी सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। क्रॉस डिमांड कर्व टू टाइप का होता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों के लिए अलग अलग बनता है। ठीक है, तो अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सब्स्टिट्यूट गुड्स में, और डाउनवर्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। कैसे, आगे दिखाता हूं। इफ वन गुड इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर टू सेटिस्फाई द सेम वांट, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड, लाइक टी कॉफी पेन पेंसिल। ठीक है, और इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये मार्क करके रखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कैसे, बता रहा हूं आगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जब दोनों साथ में एक ही वांट को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों साथ में, लाइक मैं बता दिया हूं व्हीकल और पेट्रोल। ठीक है, एग्जांपल मिल्क शुगर टी पाउडर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे, ये देखो, देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूध का प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड ऑफ टी, देखो दूध का प्राइस यहां बढ़ा, डिमांड ऑफ टी कम हो गई, दूध का प्राइस कम हुआ, दूध का प्राइस कम हुआ, टी की डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि दूध से ही तो टी बनता है, दूध से ही तो टी बनता है, दूध और टी साथ में यूज होते हैं। भैया मैं तो काली चाय पीता हूं, अरे यार मैं दूध वाली चाय की बात कर रहा हूं। ठीक, दूध वाली चाय की बात कर रहा हूं, दूध और चाय साथ में यूज होते हैं, दूध और चाय, दूध का प्राइस कम हुआ, टी की डिमांड और बढ़ गई, लोग ज्यादा पीने लगे, और लोग पीने लगे, और पहले जिन लोग नहीं पीते थे, भाई महंगा है यार दूध नहीं पीता, वो भी पीने लग गए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। यहां तुम लोग एक चीज ध्यान रखो, एक गुड का प्राइस लोगे दूसरे का क्वांटिटी लोगे, ये चीज ध्यान रखना, एक गुड का प्राइस लोगे दूसरे का क्वांटिटी, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, एक गुड के प्राइस के साथ दूसरे गुड का क्वांटिटी कंपेयर करोगे। ठीक है, यहां पर भी देखो, प्राइस ऑफ कॉफी डिमांड ऑफ टी, कॉफी की प्राइस कम है तो डिमांड ऑफ टी भी कम है। क्यों? क्योंकि कॉफी की प्राइस कम है तो मैं कॉफी पीऊंगा ना, चाय नहीं पीऊंगा, क्या पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, सब्स्टिट्यूट गुड है ना, कॉफी पीऊंगा, कॉफी की प्राइस बढ़ी, चाय की डिमांड बढ़ा दूंगा। क्यों? कॉफी की प्राइस बढ़ रही है, चाय छोड़ो कॉफी नहीं पीता, चाय पीऊंगा, इसकी प्राइस बढ़ रही है यार, कॉफी की प्राइस बढ़ रही है यार,
चाय पीने लगूंगा। कॉफी की प्राइस और बढ़ी, अब तो और पीऊंगा ही नहीं कॉफी। दिमाग खराब, चाय का पैकेट लाओ, हटाओ कॉफी को, 1-2 रुपए वाला भी नहीं लाना। बहुत बढ़ गई कॉफी की प्राइस, कॉफी की प्राइस पीक पे पहुंच गई, चाय की डिमांड भी पीक पे पहुंच गई। तो समझ में आया सब्स्टिट्यूट गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, समझ में आया, ग्राफ देख के समझ में आता है अच्छे से। तो इन लोगों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन ऑफ व्हाट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये चीज ध्यान रखना, क्रॉस डिमांड के केस में एक का प्राइस एक का क्वांटिटी लोगे, क्रॉस डिमांड के केस में एक का प्राइस एक का क्वांटिटी लोगे, ठीक है। चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दोनों में क्या डिफरेंस है भैया, एक एक जैसा ही लागे है पर एक जैसा नहीं है बेटा। चेंज इन डिमांड मतलब होता है प्राइस को छोड़ के एनी अदर फैक्टर के कारण डिमांड का चेंज होना। एनी अदर फैक्टर मतलब सीजन, वेदर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, मतलब बेसिकली उस पर्टिकुलर गुड की प्राइस छोड़ के। जैसे मान लो पार्ले जी है, व्हाट इज व्हाट पार्ले जी, पीजी, पीजी की प्राइस है 5 रुपए, उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसकी डिमांड ऊपर नीचे हो रही है, क्यों, ड्यू टू एनी अदर फैक्टर। एनी अदर फैक्टर क्या होता है, टाइगर बिस्किट आते हैं ना, टाइगर बिस्किट, उसकी प्राइस 4 रुपए हो गई, पार्ले जी की डिमांड कम हुई। टाइगर बिस्किट की डिमांड प्राइस 6 रुपए हो गई, पार्ले जी की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट है, दोनों सेम लगते हैं तो दोनों सब्स्टिट्यूट है ना। तो एनी अदर फैक्टर, क्या बोला मैं, एनी अदर फैक्टर के कारण जब पार्ले जी की डिमांड चेंज हो रही तो उसको बोलता हूं चेंज इन डिमांड। क्या बोलता हूं, चेंज इन डिमांड। और जब पार्ले जी का डिमांड कम ज्यादा होगा ड्यू टू इट्स होल उसके ओन प्राइस, ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, मतलब पार्ले जी का खुद प्राइस 6 रुपए हुआ, डिमांड कम हो गई, खुद प्राइस 4 रुपए हुआ, डिमांड बढ़ गई, उसको बोलता हूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो बेसिकली यहां पर ऐसे लिखो, ये लिख लो कि डिमांड जो है दो तरीके से चेंज होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्राइस होती है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू एनी अदर फैक्टर होती है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस जो है उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा, जबकि एनी अदर फैक्टर में इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड देखने को मिलेगा। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन में जो मूवमेंट होता है वो अलोंग द डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व ऐसी रहेगी, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। और चेंज इन डिमांड के केस में तुमको शिफ्ट देखने को मिलेगा, मतलब डिमांड कर्व या तो ऊपर खसक जाएगी या तो नीचे खसक जाएगी, या तो ऊपर खसक जाएगी या तो नीचे खसक जाएगी। तो ये चीज तुम लोग लिख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इफ देयर इज अ चेंज इन डिटरमिनेंट ऑफ एनी डिमांड दैट लीड्स टू चेंज इन डिमांड, दिस इज चेंज इन डिमांड, देयर आर ऑफ टू टाइप, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन दिया है उसको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन भी बोलते हैं, एक्सपेंशन एक्सटेंशन एक ही चीज होती है। तो देखो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, तो व्हेन ऑल द थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देयर इज चेंज इन प्राइस व्हिच लीड्स टू चेंज इन, दिस इज चेंज इन डिमांड कॉल्ड एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन। मैं बता दिया ऑलरेडी, व्हेन द प्राइस इज डिक्रीज द डिमांड, अच्छा ये सब वही लिखा है। देखो प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ये देखो ये क्या हुआ, एक्सपेंशन, क्या हुआ, एक्सपेंशन, ठीक है। प्राइस बढ़ी डिमांड कम हो गई, ये क्या हुआ,
कॉन्ट्रैक्शन, क्या हुआ ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, सॉरी राइट में नीचे आएगा अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व जब एक्सपेंशन होगा, और इधर आएगा जो कॉन्ट्रेक्शन होगा। यही चीज मैं तुमको समझाया। इंक्रीज और डिक्रीज भी मैं यही समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, वही चीज लिखी है, इसको तुम रीड कर लो, वही चीज लिखी जो अभी मैं तुम लोग को समझाया हूँ, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज मैं देखो दिखा रहा हूँ तुम लोग को, प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्राइस इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। मैं पहले भी बोला हूँ एनी अदर फैक्टर, एनी अदर फैक्टर मतलब प्राइस सेम रहेगा। कोई फेवरेबल चेंज रहा तो राइटवर्ड शिफ्ट, कोई अनफेवरेबल चेंज रहा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट शोज इंक्रीज, जबकि लेफ्टवर्ड शोज डिक्रीज, ठीक है। तो रेड वाला एरो डिक्रीज शो कर रहा है, राइट, रेड वाला एरो इंक्रीज शो कर रहा है, ब्लैक वाला एरो डिक्रीज शो कर रहा है। तो कोई फेवरेबल चेंज हुआ तो राइटवर्ड शिफ्ट, कोई अनफेवरेबल चेंज रहा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। ऑलरेडी 35 मिनट्स की हो गई है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना भाई लोग। बाय बाय।